बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतराम लोडी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में आज क्या कुछ हुआ, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस मामले में आज क्या कुछ किया, उसी पर हमारी है वो चर्चा। आपको बता दें कि आज की लोकसभा का पूरा विवरण क्या था, किस किस मुद्दों पर चर्चा हुई थी, बहुजन समाज पार्टी के सांसद ने क्या कहा, समाजवादी पार्टी के सांसद ने क्या कहा, वो आपको हम बता दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज सबसे पहले जब संसद शुरू हुआ तो सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के रामपुर से जो सांसद है आजम खान, उनको लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ। जब उनका विवाद समाप्त हुआ तो उसके बाद कंपनी संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। कंपनी विधेयक बिल पर पहले मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी चर्चा बात जारी की और उन्होंने सब कुछ इसके बारे में बताया। उसके बाद रितेश पांडे बहुजन समाज पार्टी के अंबेडकर नगर से जो सांसद है, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए इस विधेयक को थोड़ी बहुत इसमें खामियां बताई और उन्होंने इसमें कहा कि हमारे जो सुझाव है वो इसमें आमंत्रित और इसमें इंक्लूड किया जाए, इसको शामिल किया जाए। हालांकि उनके सुझावों को शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है ये सरकार का फैसला है, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से उनको सुझाव जारी किए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि जन आरोग्य जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके ऊपर भी सवाल जवाब का दौर हुआ। उस दिन तरफ से बहुजन समाज पार्टी के सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने इसके दौरान भाग लिया। इसी के अलावा आपको बता दें कि फिर से निजी विधेयक जो है उसके ऊपर भी पुनः स्थापित सांसदों की तरफ से किया गया, जिसको लेकर भी चर्चा हुई। बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा के अंदर पोस्को एक्ट पर चर्चा की गई, जिसके अंदर समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन राम गोपाल ने इसके अंदर हिस्सा लिया। वही बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो सतीश चंद्र मिश्रा और राजा राम से लेकर कई सांसद मौजूद रहे। उन्होंने इस मामले पर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हुए इन मामलों के अंदर सरकार को सुझाव भी दिए और कई बार ये भी कहा है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि चाहे कानून किसी भी प्रकार का बना लिया जाए लेकिन कानून को अमल में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी दुष्कर्म के मामले में जब दिल्ली के अंदर निर्भया कांड हुआ था तब भी कानून कठोर बना था, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक रेप की घटनाएं रुकी नहीं है। तो इसलिए जो कानून बनाया जाए उसको अमल में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उनको अमल में नहीं लाया जाता है तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है, कानूनों का दुरुपयोग भी होता है। यह बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सुझाव दिया गया। तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर ये आज की पोजीशन थी लोकसभा के अंदर, ये चार मुद्दों के ऊपर है वो चर्चा की गई और इन तमाम कानूनों को पारित कर दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि लोकसभा की जो कार्यवाही अवधि है वो इसी महीने जुलाई के अंदर अंत में खत्म होनी थी, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने इसे बढ़ाकर 7 तारीख तक कर दी है, यानी 7 अगस्त तक अब लोकसभा की ये कार्यवाही चलेगी।